आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। हिमाचल में सत्ता आने की उम्मीद कर रही कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। पहले आप देख रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी थी वो कहीं ना कहीं ठंडी नजर आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उन्होंने कमर कस ली है और हिमाचल प्रदेश की तरफ अपने कदमों को बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक की सूची अब तक जारी नहीं हो सकी है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रचार का जिम्मा संभालेंगी। प्रियंका गांधी 8 रैलियों को संबोधित करेंगी। 31 अक्टूबर से यह प्रचार की शुरुआत हो जाएगा। प्रचार के दौरान वह रोड शो और जनसभाएं भी करेंगी प्रियंका गांधी, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस शांत थी। 31 अक्टूबर को प्रियंका गांधी मंडी और कुल्लू जिला का दौरा कर सकती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। 3 नवंबर को कांगड़ा और चंबा में वह चुनाव प्रचार के लिए जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि 7 नवंबर को प्रियंका गांधी हमीरपुर और ऊना में भी रैली करेंगी। चुनाव प्रचार के आखिरी चरणों में प्रियंका गांधी शिमला और सिरमौर का भी दौरा करेंगी। सूत्रों ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार कर सकते हैं, मतलब राहुल गांधी भी हिमाचल की सियासत में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। इसके चलते राहुल गांधी के एक रैली में शामिल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, आनंद शर्मा, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जैसे नेता भी कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुजरात में क्यों नहीं, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस के बड़े चेहरों का हिमाचल प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस गायब नजर आई है। ऐसे में खड़गे आगामी कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि खड़गे क्या कदम उठा सकते हैं हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर, और इस चुनाव में वो क्या क्या घोषणाएं कर सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है। अगर देखा जाए और माना जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं हिमाचल प्रदेश में उतरेंगे और वहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे, रैलियाँ संबोधित करेंगे, तो यहाँ पर बड़ी सीटें उनको मिल सकती हैं और वहाँ पर जो है चुनावी जो वहाँ पर चल रही है चुनावी यात्रा, उसमें भी बड़ा अच्छा खासा लाभ देखने को कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। क्योंकि अभी अभी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, तो उनके सामने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ भी हैं। इन चुनौतियों की भी सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एक करना और पायलट गहलोत की लड़ाई को खत्म करने की भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष के तौर पर नजर नहीं आ रही है। खैर, देखना ये होगा कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा। बहरहाल हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।